हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है हैदराबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से। जो भी स्टूडेंट CUET PG का आपका पेपर जो आप दे के आए हो, उसमें आपने यदि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है देख लेते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है मेरी तरह। उस पर SU लिखोगे तो पहला जो वेबसाइट आएगा उसी को आपको क्लिक कर देना है। सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको सामने ये देखो क्या लिख रहा है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड द एडमिशन काउंसलिंग। इसी को मैं क्लिक कर देता हूँ। बेसिकली हैदराबाद ने अपनी लिस्ट, जो काउंसलिंग लिस्ट है, वो आपको निकाल दी है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की। ठीक है, मैं इसे जूम तो नहीं कर सकता हूँ, बट आपको दिखा पाऊंगा आराम से, कि आराम से ये दिख पा रहा है कि मैथमेटिक्स, स्टेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और भी अदर सब्जेक्ट्स की सारी उन्होंने लिस्ट, काउंसलिंग लिस्ट आपको निकाल दी है। पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, जो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई किए हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन किए थे, उनको आगे के स्टेप्स क्या करने हैं, तो सिंपल आपको देखो ये मिडिल में क्या दिख रहा है, क्लिक हियर फॉर द एडमिशन पोर्टल। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो सिंपल, जैसे अदर यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे थे, वैसे यहाँ पे भी करना है। आपका एक रजिस्ट्रेशन ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, इसको डाल के आप लॉगिन कर लीजिएगा, क्योंकि आपने पहले ही ये बना रखा होगा, राइट। ठीक है, और यहाँ से ये अभी बेसिकली ये अभी डाले नहीं गए हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी निकल के हम आपको बता देंगे, ठीक है। और कुछ यहाँ पे अभी लास्ट डेट मेंशन नहीं है क्या चीज़ लास्ट डेट होगी, बट उन्होंने केवल अभी पोर्टल आपको मेंशन करके दिया है। जो आपने, आपके पास ID और पासवर्ड होगा उसको आपको यहाँ डालना है, जो आपने हैदराबाद का जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तब आपका बना होगा। तो यदि आप फॉरगेट भी हो गए हैं तो यहाँ पे आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, तो फॉरगेट पासवर्ड का भी आप ओपिनियन आपके पास है, ठीक है। जैसे ही आप फॉरगेट करेंगे तो ये आप डाल के इसको फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो, कोई इसमें इशू है नहीं। चलिए बैक चलते हैं। बैक में दूसरी चीज, मैं थोड़ा बैक आ जाता हूँ। हम लोग यहाँ पे थे, एक तो प्रोसीजर हमने ये बता दिया, और भी जो भी यहाँ पे जो आप देख पाएंगे, यहाँ पे एक एडमिशन नोटिस, डाउनलोड प्रोस्पेक्टस, तो ये चीज़ें अभी डाली नहीं गई हैं या फिर कुछ भी है, अभी अभी ही लॉन्च किया है इन्होंने, तो इस वजह से हो सकता है कि अभी थोड़ा इशू चल रहा हो, बट जैसे ही आएंगी हम आपको अपडेट कर लेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट आता है हम आपको बता देते हैं। पहली चीज़, ये तो आपका MSc के सब्जेक्ट्स का हुआ, MPH का भी डाल दिया गया है, MA के जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सभी की काउंसलिंग लिस्ट आ गई है। तो देखिए, हम सबसे पहले अपना मैथमेटिक्स का, हमारा मेन चैनल है तो मैथमेटिक्स का ही ओपन कर लेते हैं। तो फाइनली दिस इज़ द मैथमेटिक्स एंड आई जूम इट, मैं बड़ा कर लेता हूँ, आप आराम से देख पाएंगे। दिस इज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, और इसका आप पढ़ पाएंगे कि एडमिशन 2020 से 23 के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एडमिशन काउंसलिंग फॉर MSc मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथ्स। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो अब कैसे है, देखो इसका लिस्ट अलग अलग तरीके से आता है। अब देखो यहाँ पे आपको, सर ये हैज एट द रेट ये क्या चीज है। देखिए, हैज एट द रेट ये इन्होंने मेंशन किया होगा कि ये अलग चीज, ये कैटेगरी के लिए है कि OBC जनरल, ठीक है। देखिए ये जो है बेसिकली ये सब जनरल रैंक चल रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये उन्होंने जनरल रैंक निकाला है। बट हैज एट द रेट और अभी आपका अलग अलग जो इन्होंने डोनेट करते हैं उसका ये मेंशन करते हैं, पता नहीं अब की बार PDF में मेंशन क्यों नहीं किया इन्होंने। ये रिजर्व्ड हैं बेसिकली, ठीक है, ये रिजर्व कैटेगरी है स्टार, ठीक है, ये मेंशन करते हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट मेंशनिंग कि किसको इन्होंने, अभी देखिए डबल स्टार को भी अलग कैटेगरी, डबल स्टार प्लस, ठीक है, तो ये अभी मेंशन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। रुकिए मैं देख लेता हूँ नीचे जाके के कौन से, हाँ देखिए मैंने कहा था ना कि आपको ये सारा मेंशन करेंगे, मैं इनको हाईलाइटेड कर देता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा, अभी मैं पूरा समझाऊंगा, इन डिटेल समझाऊंगा, परेशान मत होइएगा। देखिए स्टार जो है, आप ध्यान समझिए, स्टार जो है वो SC कैटेगरी के लिए है, डबल स्टार जो है वो ST कैटेगरी के लिए है, हैज जो है वो आपका OBC कैटेगरी के लिए है, और एट द रेट आपका EWS कैटेगरी के लिए है, ट्रिपल स्टार आपका PH PWD के लिए है, और प्लस स्टार, प्लस जो है वो आपका वार्ड ऑफ डिफेंस के लिए होगा, और कुछ भी नहीं है तो वो आपका जनरल कैटेगरी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, वैसे हर साल वो हर एक PDF के पन्ने के नीचे यहाँ पे लिख के देते हैं, इस साल उन्होंने ओनली लास्ट में कंसीडर किया है। चलिए तो ये तो हो गया, अभी हम ऊपर की रैंकिंग पे भी बात करेंगे, कैसे क्या रैंकिंग है। अभी हम थोड़ा ये लिख लेते हैं, पहले चीज़ें समझ लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है ये समझना,
रिपोर्टिंग कैंडिडेट सीकिंग टू टेक एडमिशन, यदि आपको लेना है तो आपको रिपोर्ट करना होगा, नो प्रॉक्सी अलाउड, ठीक है, आपको 17 नवंबर को, इसका मतलब है कि आपको वहाँ पे फिजिकल जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये टाइमिंग दे रहे हैं। ओके, तो यदि आपको वहाँ एडमिशन लेना है आपको फिजिकल जाना पड़ेगा, 17 नवंबर को जाना पड़ेगा। देखो, अब आप कहोगे सर कितने लोग जाएं, क्या जाएं, तो हम इस पूरी लिस्ट को फिर से एक बार एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे कि कितने लोग जाएं, उनको मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। अब ये लिस्ट आई, अभी मैं थोड़ा बहुत तो आइडिया अभी दे दूंगा, बट इसके बाद भी आपको आइडिया दे दूंगा, ठीक है। तो ये अपना टाइमिंग आप ध्यान रखिएगा कि रिपोर्ट आपको इतने बजे करना है, अटेंडेंस वहाँ इतने बजे होगी, और एडमिशन काउंसलिंग जो स्टार्ट होगा वो इतना टाइम है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या ले जाने हैं, क्या रेडी रखना है, सारा उन्होंने अपना दिया है, सारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये OBC NCL सर्टिफिकेट और जो भी है, ठीक है। पेमेंट ऑफ फी, देखिए डॉक्यूमेंट को मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं, ये सब चीज़ें आपको इसमें कोई दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ फी, कैंडिडेट्स अलाउड टू कन्फर्म सीट आफ्टर द एडमिशन काउंसलिंग विल बी रिक्वायर्ड टू पे द एडमिशन एंड सेमेस्टर फी ऑन द सेम डे टू कन्फर्म। इसका मतलब है कि आपको रुपए ले जाने पड़ेंगे, ठीक है, आपको रुपए ले जाने पड़ेंगे। देखिए, एक्सेप्ट पीएच कैंडिडेट को, यदि आप पीएच कैटेगरी के हो तो उनको लिए जो अमाउंट है वो कम है, और अदर कोई भी, चाहे आप एससी हो चाहे एसटी हो, सबके लिए अमाउंट सेम है, 8,180 रुपये, ठीक है। और ये सेमेस्टर फी है, नॉट ए ईयरली फी, ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहाँ मेंशन है क्लियरली। ओके, अब यहाँ पे साफ मेंशन है कि एस्टेट कर तेलंगाना, ये अदर अदर चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा चाहूँ। इस ऐसे ही वैकेंसीज जो हैं वो कैसे काम करेंगी, ठीक है, इनके ऊपर आप खुद पढ़िएगा, इनको बहुत टाइम दीजिएगा, अच्छे से टाइम दीजिएगा। ओके, और प्लीज़ रीड द डिटेल इंस्ट्रक्शन, उन्होंने एक URL भी दिया है, इस पर हम क्लिक भी कर लेते हैं कि ये URL क्या है बेसिकली। ओके, तो ये आपका ये URL है, और इसको आप क्लिक करके पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए आप अब वहाँ पे आप एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आप कैंसिलेशन, यदि आप अपना, आपको रिजल्ट, आपका एडमिशन नहीं होता है तो क्या रिफंड की पॉलिसी है, क्या होना चाहिए, तो आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितनी सीट्स हैं, तो ये सब इसमें आपको दिया गया है, 11 पेज हैं, इनको भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपका समझ में आ गया। नेक्स्ट, चीज़ें समझ में आ गई, अब हम कहाँ पे थे, हम अपना आई थिंक, रुकिए पीछे चलते हैं, हम अपनी लिस्ट पे थे। ओके, ये आपकी लिस्ट थी। अब मेन चीज कि सर देखिए, ये है बेसिकली जनरल कैटेगरी, मतलब यदि आप जनरल रैंक देखना चाहते हैं तो ये जनरल रैंक चल रही है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, तो जनरल रैंक में उन्होंने कितने लोगों को बुलाया है, मैंने आपसे क्या कहा था, ये लोग 2 टाइम्स 3 टाइम्स लोगों को बुलाते हैं, ठीक है। तो इनके में आपको पता है सीट्स कितनी है, अराउंड 50 हैं, बट आप देखो कितने लोगों, इन्हों भी पता है कि लोग लेंगे नहीं, 158 कैंडिडेट को इन्होंने चूज किया है कि इतने लोग इनके एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी को एडमिशन मिल जाएगा, बहुत सारे लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। रिजर्व कैंडिडेट में आप कह सकते हैं कि देखो कितने लोगों को, स्टार को मैंने क्या बताया था, आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसको एक बार और आके बहुत अच्छे से आपको करूंगा। देखिए, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हैं, जैसे जॉय सरकार है, ठीक है, और आपका देखना चाहो तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे मैंने कहा था आप धैर्य रखिए, 220-225 नंबर में आपका नाम होगा, ठीक है। तो अच्छी, मेरे को लगता नहीं, अब मैं बिल्कुल श्योर हो चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों के अच्छे नंबर नहीं आए, मतलब ज़्यादातर लोग 200 के पास हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे ग्रंथ शुक्ला है, ठीक है, इनका भी नंबर, ईशान तिवारी है, तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो हाँ मैं जानता हूँ अच्छे से, और मैं और लोगों का नाम नहीं लूंगा, बट क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोग हैं जिनके मार्क्स आपके अराउंड 230-240 है, तो मैंने जो आपको आइडिया बताया था उनका रैंक आराम से 28 रैंक पहला जो अंदर बन रहा है उसके अंदर आ रहा है, और आगे आप बढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं कैसे बोलूँ, ठीक है, जैसे नेहा सतपाल है, ये भी स्टूडेंट है हमारे, 57 पे है, तो इनके भी बहुत ज़्यादा चांस है ये जनरल में। आप जान देखिए, अब आप ऐसे मत सोचिएगा सर 57 पे है तो मेरा होगा या नहीं, देखिए आप जनरल में देखिए, जनरल में बहुत, ये जनरल रैंक है, आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कैटेगरी रैंक वाले हैं, तो आपका भले ही 57 नंबर पे है, बट आप जनरल रैंक से तो बहुत ऊपर आ जाएंगे ना, राइट। तो ये भी आपका मैटर करता है, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज़ समझ पाए होंगे, इसको, इस लिस्ट को, इस मेरिट लिस्ट को हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कितने लोगों को जाना चाहिए, कितने लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये सारे कैंडिडेट पहुंच जाएंगे और वो एडमिशन दे देंगे, राइट।
तो कितना मार्क्स तक हम देख सकते हैं, तो वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्किंग दिखाया नहीं गया है कितने मार्क्स तक लिया गया है, तो पहले मैं थोड़ा एक अनुमान लगा लूँ, उसके बाद हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, ओके टेक केयर।